अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम किचन स्टूडियो। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से पॉपकॉर्न घर पे कैसे बनाते हैं, और इसको चॉकलेट फ्लेवर में बनाने का तरीका भी बताऊंगी। तो सबसे पहले पैन में हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक और 1/4 कप जो है ये मकई के दाने, और इनको थोड़ी देर के लिए हम हल्की आँच पर पकाएँगे। और जैसे ही ये फूलना शुरू होंगे तो कवर करके फ्लेम को मीडियम लो कर देंगे। बहुत तेज़ आग नहीं होनी चाहिए, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं नीचे से। थोड़ी थोड़ी देर के बाद ढक्कन खोले बगैर इसको हिला लेना है, और जब तक ये मुकम्मल तौर पे फूल नहीं जाते तब तक इसका ढक्कन नहीं खोलना। लें जी, पॉपकॉर्न तैयार हैं। अब हम एक पैन में पानी बॉईल करेंगे, और इसके ऊपर मैं ये एक सांचा रख रही हूँ, स्टैंड है ये। ये इसलिए मैंने रखा है क्योंकि मेरे पास जो बाउल है जिसमें मैंने चॉकलेट मेल्ट करनी है वो ज़रा छोटा है, तो अगर आपके पास बाउल बड़ा है तो फिर ज़रूरत नहीं है सांचे की, आप डायरेक्ट अपने पतीले के ऊपर रख सकती हैं। लेकिन पानी और जो बाउल है उसके दरमियान गैप होना चाहिए, पानी जो है वो बाउल को टच ना करे। तो हमने स्टीम के ज़रिए चॉकलेट को पिघलाना है, इससे चॉकलेट जलती नहीं है और बराबर जो है ये मेल्ट होती है। तो चॉकलेट के अंदर मैंने 1 चम्मच मक्खन भी शामिल किया था, और इस तरह से जब चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी तो फिर इसमें ये जो पॉपकॉर्न बनाए थे वो शामिल करेंगे। और अगर आपके पास ये चॉकलेट सिरप हो तो इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ये सिरप भी शामिल कर सकते हैं, अगर ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। पॉपकॉर्न आप अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं कम या ज़्यादा, अगर कम चॉकलेट पसंद करते हैं तो फिर पॉपकॉर्न की मकदार बढ़ा दें, और अगर ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो फिर पॉपकॉर्न कम रखें। और उसके बाद हम इसको एक डिश में फैला देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देंगे, फ्रिज में नहीं रखना वरना ये क्रिस्पी नहीं रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।